दोस्तों फाइनली वो YouTube की तरफ से अपडेट आ चुका है जिस अपडेट का सभी क्रिएटर को बेसब्री से इंतजार था। वो चाहते थे कि ये अपडेट आए और फाइनली YouTube ने बात सुन ली और वो अपडेट YouTube ने लॉन्च कर दिया। दोस्तों अपडेट है YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर, या यूं कहे कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल्स को लेकर। उनमें कुछ चेंजमेंट किया है, बिग चेंजमेंट किया है और YouTube की तरफ से महा अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के रिलेटेड बहुत सारे क्रिएटर ने वीडियोज़ बनाई, बड़े बड़े क्रिएटर ने वीडियोज़ बनाई, लेकिन जब वो वीडियो छोटे क्रिएट ने देखी तो उनकी वीडियो से उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिला। उन्हें जो अपडेट आया था वो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बड़े क्रिएटर जो होते हैं वो अपनी धुन में वीडियोस बनाते हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे कि भाई मेरे जो व्यूअर हैं उनको सबको समझ आ जाएगा, लेकिन उनको समझ नहीं आता है। क्योंकि वो आपको समझ आ चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आए। तो कुछ जो है ऐसा कीजिए जैसे कि व्यूअर को समझ में आ जाए। तो इस अपडेट को मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। मेरे को इंस्टाग्राम पर DMs आ रहे थे, भाई बड़े क्रिएटर ने वीडियोज़ बनाई है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हमें उस जो अपडेट से, उस वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिला कि आखिर अपडेट क्या। हमने अपडेट भी समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए और मेरे व्यूअर को बताना चाहिए कि आखिर अपडेट है क्या, गुड अपडेट है या बैड अपडेट है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अब वीडियो को शुरू कर देते हैं दोस्तों। YouTube आया है, जो अपडेट आया है वो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक से रिलेटेड आया है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, आपने एक नया चैनल क्रिएट किया है और नया चैनल क्रिएट करते ही आपने वीडियोज अपलोड करना शुरू कर। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो को जो है ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अपडेट जो है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, आपने न्यू चैनल बना लिया, उस पर वीडियोज अपलोड स्टार्ट कर दिया आपने। अब वीडियो जैसे जैसे अपलोड करना स्टार्ट की और आपने एक वीडियो ऐसी बना दी जो कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस से जो है उल्लंघन करती है, ठीक है, तो आपको एक वार्निंग स्ट्राइक पड़ती है। आपके चैनल की जो पहली स्ट्राइक होती है वो होती है वार्निंग स्ट्राइक, जो कि लाइफ टाइम तक रहती है। जब तक आपका चैनल है तब तक वो वार्निंग स्ट्राइक रहती है। अगर आप दूसरी बार गलती कर दे तो उस चैनल पे तो वो वार्निंग स्ट्राइक नहीं आएगी, वो आएगी आपकी पहली कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, जिससे आपका होगा क्या, जो कि 7 दिन तक आपकी अपलोडिंग बंद हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने चैनल पर। और वो जो है वो पहली स्ट्राइक जो होती है वो 90 डेज के बाद में खत्म हो जाती है, और जो वार्निंग स्ट्राइक है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो अब YouTube क्या करेगा, आपकी जो वार्निंग स्ट्राइक थी जो कि लाइफ टाइम तक रहती हैं, उसको YouTube अब रिमूव कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, आपके चैनल पर वो कभी भी नहीं रहेगी। वार्निंग स्ट्राइक ऐसी चीज़ है जिसे देखने के बाद भाई ऐसा लगता है कि हमने ये क्या कर दिया, जो कि हमारे जो लाइफ टाइम तक हमारे चैनल पर एक धब्बा, जो काला धब्बा होते हैं वो हमारे चैनल पर लग चुका है, कलंक लग चुका है एक तरीके से बोले वार्निंग स्ट्राइक, ठीक है। अपडेट जो पहली स्ट्राइक वो होती है वो 90 डेज के बाद में रिमूव हो जाती है, लेकिन वार्निंग स्ट्राइक लाइफ टाइम तक रहती है। अब जो ये वार्निंग स्ट्राइक है वो YouTube ने बोला है कि हम आपकी वार्निंग स्ट्राइक जो है वो अब रिमूव कर देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है समझिए बात को। अब जो अपडेट है वो धीरे धीरे रोल आउट होगा, ऐसे नहीं कि आपको सीधे नजर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो होगा क्या कि जहां पर आपकी वार्निंग स्ट्राइक है, जैसे कि बोले मेरे चैनल पर भी एक वार्निंग स्ट्राइक आ चुकी है, ठीक है, तो मेरे जो वार्निंग स्ट्राइक है जो जहां आपकी वार्निंग स्ट्राइक डेस्कटॉप साइड में दिखती है, वहाँ पर जहाँ पर दिखती हैं वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी या ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप एक वीडियो पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वो उस वीडियो में कुछ आपको सीखा होगा कि वार्निंग स्ट्राइक कैसे रिमूव करें, YouTube के बारे में कुछ सीखा होगा, या वहाँ पर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ आंसर देने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, या नीचे कुछ फॉर्म होगा वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर उन क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे देते हैं तो 90 डेज तक आपका जो है, जो 90 डेज के अंदर अंदर आपकी जो वार्निंग स्ट्राइक है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो वहाँ पर आपका जो वार्निंग स्ट्राइक है वो रिमूव नहीं होगा। YouTube से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री वगैरह के, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। YouTube से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, और आपका जब सही आंसर दे दोगे तो आपका 90 डेज के अंदर अंदर वार्निंग स्ट्राइक हट जाएगी। लेकिन ट्विस्ट सुनिए, ट्विस्ट यहाँ पर आता है, आपकी वार्निंग स्ट्राइक तो हट जाएगी, मान लीजिए आपकी वार्निंग स्ट्राइक आई है कोई बैटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करने की वजह से, समझिएगा बात को, वहाँ पर आपने जो वार्निंग स्ट्राइक आपके हट चुकी है, बिल्कुल आपके चैनल से हट चुकी है, लेकिन आप फिर से वही गलती कर रहे हो जिसे आपकी वार्निंग स्ट्राइक पड़ी थी, वह बैटिंग एप्लीकेशन का आपने प्रमोशन किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपने बैटिंग एप्लीकेशन का वार्निंग स्ट्राइक जो है वो हटने के बाद फिर से आपने कर दिया, ठीक है, बैटिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन, और YouTube ने आपको फिर से स्ट्राइक मारी है। अब जो होगी स्ट्राइक वो फिर से वार्निंग स्ट्राइक नहीं होगी, अब आपको सीधी स्ट्राइक मारी जाएगी, पहली स्ट्राइक, जिससे आपकी 7 दिन तक अपलोडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आपने बैटिंग एप्लीकेशन से ना लेकर आपको काइनमा से रिलेटेड एक स्ट्राइक पड़ी है तो वो आपकी वार्निंग में काउंट की जाएगी।
जिसकी वजह से आपको फर्स्ट जो वार्निंग स्ट्राइक पड़ी है, ठीक है, अगर वही गलती आप बार बार करते हो तो आपकी जो स्ट्राइक पड़ जाएगी, ठीक है, और वार्निंग स्ट्राइक हट जाएगी वापस लगेगी तो, और उसके बाद आप वही गलती करते हो तो स्ट्राइक मारी जाएगी। तो ये कुछ होता है, तो ये गुड अपडेट है एक बार एक तरीके से कि अब आपको स्ट्राइक जो है वार्निंग स्ट्राइक हट जाएगी। अगर आप कुछ अलग गलती करते हो तो आपको वार्निंग स्ट्राइक पड़ेगी। पहला क्या होता है, अगर आपने बैटिंग एप्लीकेशन के प्रमोशन किया तो वार्निंग स्ट्राइक पड़ी, फिर आपने कोई कैनवास से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया उसमें जो स्ट्राइक पड़ी वो आपकी क्या होगी, वो पहली स्ट्राइक मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा जब वार्निंग स्ट्राइक हट जाएगी तो दूसरी आप कोई गलती करते हो तो वो फिर से वार्निंग स्ट्राइक के अंदर काउंट की जाएगी। तो अब अच्छा अपडेट है, क्रिएटर के लिए अच्छा अपडेट है, और उसमें अगर कुछ भी नया जो आता है, कुछ भी नया अपडेट आता है इसमें, और जब भी वो ऑप्शन आता है तो मैं आपको एक फिर से नया वीडियो बना के दे दूंगा। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अपडेट क्या है। तो जैसे ही वो आएगा ऑप्शन हटाने का तो हट जाएगी, और उसके बाद आप फिर से कोई गलती ना करें कि आपको स्ट्राइक दी जाए, ठीक है, वो गलती तो बिल्कुल भी ना करें जिसकी वजह से आपको वार्निंग स्ट्राइक पड़ी है, वरना पहली स्ट्राइक मानी जाएगी। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, अपडेट समझ में आया या नहीं आया वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और इस अपडेट के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, और मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर DM भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।